प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हाँ जी जड़े, क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, आज इस गाड़ी का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। वो पाकिस्तान की वो गाड़ी है जो अत्यधिक फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद एक कंपनी आई जिसने उसको उठा के फर्श से अर्श पे फेंक दिया, और आजकल वो दोबारा फर्श पे आ चुकी है। अच्छा, उसका नाम है सुजुकी वैगनआर। सुजुकी वैगनआर जो है वो पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च हुई थी, और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये सेकेंड जनरेशन वेरिएंट है जिसको हम आज हम ड्राइव कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अभी ये इस यही सेकेंड वेरिएंट भी कंटिन्यू किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, और ये रहते पाकिस्तान तक या रहती दुनिया तक शायद यही वाला वेरिएंट आएगा। इससे अगला वेरिएंट आने का फिलहाल कोई मूड नहीं है। बात तो सही है। इसमें 3 वेरिएंट आए थे शुरू में जब भी गाड़ी लॉन्च हुई थी। इसमें VX, VXR और VXL थे, जो लेटर ऑन 2019 में जो VX वेरिएंट है उसको ख़त्म कर दिया गया था, और फिर VXR, VXL और VXL AGS है। अब VXR जो है वो बेसिकली ब्लैक साइड मिरर्स और सिल्वर कलर के उस रिम से, और बेसिक क्लेरियन के जो हैं वो इंटीरियर्स में थोड़ा सा फ़र्क था, और ये ऑफ कोर्स ये चप्पू शीशे जो होते हैं बेसिकली जो मैनुअल शीशे होते हैं उन साथ आई थी। VXL जो है वो थोड़ी सी एडवांस इन्होंने दी थी, सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज था, गाड़ी का स्पीडोमीटर चेंज था, और बहुत बड़ी उन्होंने फनकारी की थी कि उसके अंदर उन्होंने व्हील कैप्स दे दिए थे। और VXL AGS जो है वो 2018 एंड ऑनवर्ड्स में VXL और VXL AGS के अंदर ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट प्लस उनका अलॉय रिम्स वाला वेरिएंट है। गाड़ी की अगर इंजन की बात की जाए तो ये इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, और K10B जो है वो बड़ा अच्छा पावरफुल इंजन है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो K10 और K12 इंजन आते हैं। K10 जो है वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का आता है, और K12 यानी कि 12cc का जो इंजन है वो मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक सब दोनों से आता है, और वो मुख्तलिफ सुजुकी गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सुजुकी विटारा, ग्रैंड विटारा एंड ऑल। ये 1000cc जो इंजन है ये 90 न्यूटन मीटर टॉर्क और 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और एवरेज की बात करें तो इस गाड़ी की एवरेज जो है इस इंजन की और इस गाड़ी की एवरेज जो है वो बहुत बेहतर है। लाइक ये आपको 16-17 की एवरेज इन सिटी देगी, और लॉन्ग पे ये 19-20 तक आराम से चल जाती है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी में 35 लीटर पेट्रोल डलता है, 35 लीटर का फ्यूल टैंक है। इंजन ऑयल में डलेगा 3 लीटर। गाड़ी की अगर इंटीरियर की बात की जाए तो गाड़ी का इंटीरियर बड़ा बेसिक सा है, और जिसमें सेंटर में आपको AC कंट्रोल मिलेंगे, ऊपर क्लेरियन का एक CD प्लस ऑक्स का प्लेयर मिलेगा, रेडियो प्लेयर भी है इसके अंदर। एक अजीब सी बात या कह लें कि बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसके अंदर ब्लूटूथ प्लेयर नहीं है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। नीचे आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिलेंगे, गियर बॉक्स के साथ साथ आपको कॉइन स्टोरेज मिलेगी, और पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए एक आपको कप होल्डर भी यहाँ पर मिलेगा। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो बड़ा बेसिक सा स्पीडोमीटर है इसका। लेफ्ट साइड पे आपको RPM मीटर मिलेगा, सेंटर में स्पीडोमीटर मिलेगा, और राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ जो है वो इंजन चेक लाइट, हीट की लाइट और स्टेयरिंग वगैरह की लाइट। इसकी फ्यूल बार जो है वो अब आप देख सकते हैं वो आ रही है, और इसके साथ ये आपको ट्रिप AB और इसका ओडोमीटर भी दिखाता है। तो अगर पावर की बात की जाए तो ये पावर विंडोज आती हैं, इसको सेमी पावर विंडो कह सकते हैं क्योंकि फ्रंट के 2 जो हैं वो पावर हैं, और उसके साथ इन्होंने अजीब सी बात है कि लॉक का बटन भी दे दिया है। पिछले 2 जो हैं वो चप्पू शीशे हैं, और साइड मिरर्स भी इसके पावर नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी गाड़ी की एक अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी का AC जो है वो कदरे बेहतर है। लेग स्पेस की बात की जाए तो ये अब मैंने फ्रंट सीट जो है वो बिल्कुल फुल पीछे की हुई है, तो लेग स्पेस पीछे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है। मेरी हाइट अगर 5'9" है तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी लेग्स बिल्कुल जो है वो साथ जुड़ गई हैं। इतना मुश्किल नहीं है बैठना, लेकिन फिर भी इट्स अ बिट कॉम्प्रोमाइज। अच्छी बात यह है कि जो गाड़ी का बेड है वो बिल्कुल फ्लैट बेड है, और फ्लैट बेड होने की वजह से गाड़ी के अंदर जो है वो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं मीडियम साइज़ के, लेकिन अगर किसी की हाइट ज़्यादा होगी तो वो थोड़ा सा तंग होगा। गाड़ी के अंदर स्टोरेज की अगर बात करें तो कुछ स्टोरेज इसकी बड़ी अनकन्वेंशनल जगह पे हैं, जैसे ये तो मैंने आपको बताया, ग्लव बॉक्स भी आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये बड़ा अच्छा सा है, काफ़ी गहरा सा। लेकिन एक इसकी एक अनयूजुअल सी स्टोरेज है, वो अगर आप इस सीट को देखें तो इसकी सीट के साथ एक ही लूप सा लगा है, इस लूप को अगर आप अपनी तरफ खींचेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, और उसके नीचे एक बकेट आपको नजर आएगी, जो बकेट आप इसको आराम से उतार भी सकते हैं,
निकाल सकते हैं। ये अक्सर उनका लोगों को नहीं पता होता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन ये इसकी एक हिडन स्टोरेज उन्होंने दी है, और ये क्यों दी है इसका कोई पता नहीं है। और ये वैगनार वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी इसके अंदर आप शायद कोई शाही खजाना छुपा सकते हैं, और शायद वो किसी को पता भी ना चले। गाड़ी की अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये गाड़ी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस 1 लाख के आसपास थी, और उसके जो बेस वेरियंट थे वो तकरीबन आपको 8.5-9 की मिल जाती थी ये गाड़ी। और अभी की अगर आप बात करें तो ये गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट इसका जो फुल ऑप्शन वेरिएंट है, जिसको ये VXL HS कहते हैं, जो कि फुल ऑप्शन तो खैर नहीं है, उसके नाम पे दबा ही है वो भी, तो वो आती है तकरीबन ऑलमोस्ट आपको ऑन रोड मिलेगी 4 मिलियन की, यानी कि 40 लाख तक वो उसकी प्राइस सुजुकी मोटर ने पहुँचा दी है। गाड़ी की सक्सेस की अगर आप बात करें तो ये इतनी सक्सेसफुल गाड़ी है कि सुजुकी मोटर वाले पिछले 2 साल से गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस गाड़ी को बेचने के लिए उनने हर जतन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन भी फ्री दे रहे हैं, उसके बाद गाड़ी की कॉस्ट भी सारे बाकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन वैगनार की नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जो है वो बेच नहीं पा रहे। और उसकी वजहात ये है कि गाड़ी जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसमें जो है वो हीटेड सीट्स भी आती हैं, इसके अंदर पुश स्टार्ट भी आता है, इसके अंदर एयर बैग्स भी आते हैं, इसके अंदर ABS भी आता है, इसके अंदर लेन असिस्ट भी आता है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आता है, इसमें बड़ा कुछ आता है। अब बस ये मजे की बात ये कि ये सब चीजें आपने ढूंढनी है, अगर आपको नहीं मिल रही चले मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। हीटेड सीट्स किस तरह आती है, हीटेड सीट्स इस तरह आती है कि गाड़ी की सीट के ऊपर आप थोड़ी देर बैठ लें तो वो खुद ब खुद ही गाड़ी जो है वो सीट उसकी हीटअप हो जाती है। आपकी अपनी हीट से वो गाड़ी की सीट हीटेड सीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। पुश स्टार्ट का यहाँ पे इन्हें अगर आप ये देखें तो ये एक बड़ी फिट जगह है कि इन्होंने यहाँ पे एक सुराख सा दिया हुआ है, जिसको आप यूं करें खोलें, इसके अंदर उंगली लगाएं और यहाँ से चाबी घुमाएं तो ये गाड़ी पुश स्टार्ट हो जाती है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। इसके अलावा एयर बैग जो है यहाँ पे है, इसके अंदर है बिल्कुल मौजूद है, मैं वो लिखना भूल गए। ठीक है, यहाँ पे जनाब इसके अंदर एयर बैग है, इसके अंदर एयर बैग है, बहुत जगह खाली पड़ी है, इसके अंदर एयर बैग उन्हें डाला, बस यहाँ पे ना वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वो ना। अरे कहना क्या चाहते हो? त्रिशदाते ने लिखा था तो वो उनसे ना यहाँ से बस वो टाइप नहीं हो सका, उनको शायद उसको शायद कतरी बना था, तो कोई इंग्लिश में एयर बैग की स्पेलिंग नहीं आती, वो शायद भूल गया होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। इसके अंदर जनाब 5 व्हील आता है, जिसमें एक व्हील जो है वो ट्रंक में पहले ही रुका पड़ा हुआ है, और बाकी 4 व्हील जो हैं वो इतनी शदीद शां शां से चलते हैं कि आप गाड़ी के अंदर बैठा लगता आपको लगता है कि तूफान आपकी तरफ एक आ रहा है, और उस तूफान को जाहिर सी बात है आप अपने कानों को बंद करेंगे या आप गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करेंगे, तो ये एक इसको कह लें कि वर्चुअल ABS है, जो कि आपको मजबूर करता है कि आपने गाड़ी जो है वो लो स्पीड पे चलानी है, आप हाई स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते। इसके अंदर जी लेन असिस्ट भी आता है, और ये ड्राइवर को ज्यादा थकाता नहीं है, ऑल्दो कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो पावर स्टीयरिंग दिया गया, लेकिन लेन असिस्ट जो है वो भी है इसके अंदर, मैनुअल लेन असिस्ट में कह लूं। अब यानी कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, अब इस गाड़ी को मैं यहां मोड़ दूंगा तो गाड़ी जो है ना उधर जाती जाएगी, इसको ये वापस सीधी नहीं होगी कभी भी, ठीक है, तो इसको लेन असिस्ट कहते हैं। ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि आप किस लेन में जाना चाहते हैं, और जब तक आप उस लेन में जाकर ठुक नहीं जाएंगे तब तक वो आपको सीधा नहीं करेगा। तो ये वाला भी फीचर इसके अंदर है, और मैंने सुना है जी वो एक है जनाब पाक व्हील के CE00 वाले, एक तो 000 वाले तो मंज साहब है ना, वो तो चीज को मंडी जाते हैं, उनका नाम मंज नहीं होना चाहिए, मंड होना चाहिए, वो हर चीज को मंड के पेश करते हैं। खैर उनके एक छोटे भाई हैं फरहान साहब, फरहान साहब कहते हैं जी इस गाड़ी के अंदर बड़े हिडन फीचर्स हैं, मैंने अभी रिसेंटली उनकी वीडियो देखी है इस रिव्यू को बनाने से पहले, वो कहते हैं जी गाड़ी की चाबी निकाल लो वो टू टू करती है, गाड़ी की हेडलाइटें ऑन छोड़ दो तो वो टू टू करती है, वो तो 2001 मॉडल की कटर भी करती है यार। इसमें क्या हिडन फीचर था? और मेरे ख्याल से हिडन फीचर वो होता है कि जो छुपाया गया हो, जो छुपा हुआ हो, आम आवाम को ना पता हो, लेकिन फरहान साहब जो हैं वो शायद उनको पाक व्हील वालों को चाहिए कि फरहान साहब को स्पॉन्सर करके ना किसी लैंग्वेज कोर्स पे भेज दें, या शायद उन्होंने वीडियो बहुत पहले बनाई थी तो उनको पता नहीं था कि हिडन फीचर बेसिकली होते हैं। बहरहाल चलो कोई बात नहीं यार, फरहान साहब आप सही कह रहे हैं यार, आप मंड साहब के असिस्टेंट हैं, मंड साहब तो कुछ भी मंड देते हैं, खैर इट्स ओके। गजब बेइज्जती है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि इस गाड़ी को एक कंपनी ने बड़ा मशहूर कर दिया था, तो अगर हम वो देखें तो ये गाड़ी जब लॉन्च हुई 2014 में तो लोगों ने ना इसकी जो आउटर शेप थी ना, एक बॉक्स शेप की गाड़ी है,
जिस इसका नाम है उस तरह की शॉप शेपी गाड़ी है, वैगन टाइप गाड़ी है, जिस तरह आईएस वगैरह आप देखते होंगे। तो जो इस शेप की गाड़ी थी, इसको लोगों ने सुजुकी की मुख्तलिफ बाकी गाड़ियों की तरह इसको पसंद नहीं किया इसकी शेप की वजह से। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो आम गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी से कदरे बेहतर थी, जिसकी वजह से एक कंपनी थी जो पाकिस्तान में टैक्सी सिस्टम जिन्होंने लॉन्च किया था, दैट वाज करीम एंड ऊबर, आपको पता होगा। तो करीम एंड ऊबर ने के ड्राइवर्स ने इस गाड़ी को जो है वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से लेना शुरू किया और इसको चलाना शुरू किया। तो तब ये गाड़ी जो है वो मार्केट में ज़्यादा आई और ज़्यादा नजर आने लग गई। उससे पहले ये गाड़ी को लोग इतना पसंद नहीं करते थे। ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो पेट्रोल की कीमतों का भी है, पेट्रोल कीमत ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है लोग उस गाड़ी की तरफ ज्यादा उनका झुकाव हो जाता है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है। और क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी ऑल्टो लॉन्च नहीं हुई हुई थी, तो करीम और ऊबर ने जो है वो इस गाड़ी को मतलब फर्श से लेके वो अर्श पे चले गए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन गैदर की हो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करें, ताकि आपको भी वैगनर और वैगनर से रिलेटेड जितने भी हिडन फीचर्स हैं उनके बारे में पता चल सके, जो कि शायद आम आवाम को नहीं पता कि इतनी हाईली इक्विप्ड गाड़ी है और लोग इससे महरूम हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।